हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इस सीरीज की पार्ट 7 तक की वीडियोज अपलोड कर रखी हैं। आज का जो वीडियो है ये पार्ट 8 है। आपको शायद पता नहीं होगा अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं, तो मैंने एक सीरीज ओपन करी थी आज के एक हफ्ते पहले। उसमें मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ट्रिपल सी एग्जाम। उस सीरीज का आज का ये वीडियो जो है 8वां वीडियो। बाकी वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है वह माई पसंद टेक्नोलॉजी, यहाँ आपको प्लेलिस्ट में और सारी वीडियोज मिल जाएंगी। साथ ही आपको ट्रिपल सी कोर्स का पूरा सोल्यूशन और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, टैली, इन सब की प्रैक्टिकल क्लासेस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है IMF स्टैंड फॉर। IMF का पूरा नाम क्या होता है? तो IMF का पूरा नाम जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक इंटरनेशनल संस्था है फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपका IMF का पूरा नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की टोपोग्राफी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है? यानी कि नेटवर्क में कौन सी टोपोग्राफी है जो वृत्ताकार होती है और उसमें जो सूचना है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है? तो वो आपका होता है रिंग टोपोग्राफी जो होती है आपकी। इसमें एक सर्कल होता है नेटवर्क का और उसी में ये जो आपकी सूचना होती है वो एक ही दिशा में बार बार रिपीट करती है, और साथ ही इसी में रिपीटर भी यूज किया जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी टोपोग्राफी में रिपीटर का प्रयोग किया जाता है, तो रिंग टोपोग्राफी जो होती है इसी में रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम के द्वारा विकसित किया गया, यानी कि टेलीग्राम जो था किसके द्वारा बनाया गया? तो टेलीग्राम जो था ये निकोलाय डूरो और पावेल डूरो, इन दोनों लोगों के द्वारा बनाया गया था। ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने मिलकर जो है टेलीग्राम चैनल को बनाया था। तो ए एंड बी आपका जो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AEPS स्टैंड फॉर। AEPS का पूरा नाम क्या है? आप आजकल देखते होंगे अक्सर सब लोग आधार से पैसे निकालते हैं, आधार से मनी ट्रांसफर वगैरह सारे काम करते हैं। ये सब जो होता है AEPS के अंदर होता है। इसका पूरा नाम होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही हो जाएगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIGO किससे संबंधित है? GIGO का पूरा नाम भी कभी कोई पूछता है, तो GIGO का जो पूरा नाम होता है वो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसका जो काम होता है ये होता है एक्यूरेसी से संबंधित है, क्योंकि अगर इसका कहने का मतलब है, अगर आप गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर आप गलत इनपुट दोगे तो आपको गलत आउटपुट मिलेगा। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, ASCII कितने बिट्स की होती है? ASCII जो होती है एक कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है। ये कितने बिट का होता है? तो ये होता है 7 बिट्स का। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। आप ASCII जो है ये कितने बिट्स का होता है? तो ये होता है 7 बिट्स का। क्या कंप्यूटर में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं? अगला क्वेश्चन है कि क्या कंप्यूटर में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल सही है, कंप्यूटर में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, HTTPS में S का क्या अर्थ है? आपको पता होगा HTTP, इसका नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पे जो S का मतलब है, S का मतलब होता है सिक्योर। आप जो पेमेंट्स वगैरह करते हो वो सिक्योर जो होता है, आपका URL होता है उसे सिक्योर तरीके से होता है। तो यही जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ सिक्योर का जो मतलब है वो उसी से रिलेटेड है, ताकि आपका डाटा सेफ रहे। उसके बाद आता है आपका IPv6 जो है, IP यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और V6 यानी कि इसका वर्जन 6 है, और IPv4 भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप ज़रूर नोट आउट करिएगा, इसको आप अलग से नोट आउट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। तो IPv6 जो होता है ये 128 बिट का होता है, और अगर आपको IPv4 पूछता है तो IPv4 जो होता है ये आपका 32 बिट का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। IPv4 के कैटेगरी में आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और अगर आपका IPv6 इसमें जो है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 128 बिट। तो IPv6 128 बिट का होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी टू पी का मतलब क्या होता है? तो ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पी टू पी का मतलब है पीयर टू पीयर। इसके बाद है हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट क्या है? तो मैंने आपको शॉर्टकट्स की सारी वीडियोज पढ़ा रखी हैं, जो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल में इन सब में शॉर्टकट्स यूज करे जाते हैं, उनका मैंने एक पीडीएफ बना रखा है और उसको मैंने पूरी वीडियो लेक्चर उसमें बताई है सारे शॉर्टकट्स के बारे में, तो आप उसे जा करके देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपने हमारा एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने सारे पीडीएफ ये जो शॉर्टकट्स हैं यूज करके भी दिखाया है, जैसे कंट्रोल के का मैंने वहाँ पे यूज़ दिखाया हुआ है। तो कंट्रोल के का जो यूज होता है ये हाइपरलिंक के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है आपका, पंक्ति या रो को कॉलम में कैसे बदलते हैं? यानी कि यहाँ पंक्ति मतलब रो होता है, तो कह रहा है रो को कॉलम में कैसे चेंज करते हैं, तो या उसे चेंज करने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे है सी में चेंज है, बी है टेक्स्ट, सी ट्रांसपोज। तो आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ट्रांसपोज आपका जो होता है ये आपका सही हो जाएगा। रो को कॉलम में बदलने को कहते हैं ट्रांसपोज। नेक्स्ट है, इंटरनेट किस टोपोलॉजी का है? इंटरनेट किस टोपोलॉजी का उदाहरण है? तो इंटरनेट जो होता है ये आपका मेश टोपोलॉजी का उदाहरण होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओएसआई मॉडल में कितने परतें होती हैं? जो ओएसआई मॉडल होता है इसमें कितनी लेयर होती हैं? तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका है यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है? तो यानी कि एक्सेल में अगर आप चाहते हो कि कोई शॉर्टकट यूज करके आप पूरे कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर लो, तो उसका जो शॉर्टकट होता है वो तो है कंट्रोल के साथ स्पेस। अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो आपका जिस कॉलम में आपका कर्सर है वो कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, डिजिटल वॉलेट का क्या है? तो डिजिटल वॉलेट इसमें ATM, स्वाइप मशीन और पेटीएम तीन ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको पता होगा आप पेटीएम यूज करते होंगे फ़ोन में, तो पेटीएम आपका डिजिटल वॉलेट है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस जैसे आपकी एमएस ऑफिस होती है उसी तरह लिब्रे ऑफिस भी होती है, तो ये आपका फ्री ऑफिस होता है। अगर आप क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस लेते हो तो उसमें क्या है आपको चार्ज देने पड़ेंगे, और अगर आप लिब्रे ऑफिस और भी कई WPS ऑफिस ऐसे कई सारी ऑफिस अवेलेबल हैं मार्केट में उसको अगर यूज करते हो तो उसमें आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है ये MS वर्ड की तरह काम करता है, तो ये पूछ रहा है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं, वाईफाई नेटवर्क हॉटस्पॉट की एक विधा है। यहाँ इसका जो मतलब है विधा का मतलब वाईफाई नेटवर्क जो है हॉटस्पॉट की एक विधा है। तो आप जानते होंगे जब आप कभी भी वाईफाई पकड़ाते हैं तो उसके लिए आप एक सिस्टम में हॉटस्पॉट को ओपन करते हैं और दूसरे फ़ोन में या दूसरे सिस्टम में वाईफाई को ओपन करके और तब दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट को पकड़ाने के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है, वाईफाई नेटवर्क दोनों एक प्रकार की जो है वाईफाई नेटवर्क हॉटस्पॉट की विधा है, यानी कि दोनों एक प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका ये है सही हो जाएगा ट्रू, यानी कि वाईफाई जो है ये आपका नेटवर्क हॉटस्पॉट की एक विधा है। उसके बाद आपका आता है AI के पिता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फादर हैं वो कौन कहलाते हैं? तो वह है जॉन मैकार्थी, ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कहलाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड के आविष्कारक हैं। आपका जो पंच कार्ड है अराउंड 1945 के आसपास ही बना था, तो ये बनाए थे हरमन होलरिथ। पंच कार्ड का आविष्कारक जो है वो है हरमन होलरिथ, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्विटर में कितने अक्षर ट्वीट कर सकते हैं? तो ट्विटर में आप 280 यहाँ पे जो अक्षर ऑप्शन नंबर बी है 280 अक्षर आप ट्वीट कर सकते हो। और साथ में पूछता है कि ट्विटर किस चीज़ का उदाहरण है? तो ट्विटर जो है ये आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, जैसे आपका व्हाट्सएप जो है इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है, उसी तरह से आपका ट्विटर जो होता है ये माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट किया गया है, आप इसे अलग से ज़रूर नोट आउट करिएगा। तो ट्विटर में टोटल आप 280 अक्षर जो है ट्वीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
असेंबली भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? तो असेंबली जो भाषा थी, इसका जो यूज हुआ था या विकास हुआ था, डेवलपमेंट आप कह सकते हो, ये आपका हुआ था सेकेंड जनरेशन में। तो आपका यहाँ से दूसरी पीढ़ी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेजन की फाउंडर कौन है? तो अमेजन की फाउंडर कौन है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, डेंसो बेब या फिर जेफ बेजोस, विजय शेखर शर्मा, टॉबिन। तो यहाँ पे आपको पता होगा, काफ़ी फेमस है ये, जेफ बेजोस जो हैं ये अमेजन के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द डेवलपर ऑफ पेटीएम? पेटीएम को किसने डेवलप किया? तो पेटीएम को डेवलप किया था विजय शेखर शर्मा। तो पेटीएम विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा जो थे, इनके द्वारा डेवलप किए गए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट है, हुच प्लेस इन इंडिया इज कॉल्ड सिलिकॉन सिटी? तो इंडिया में कौन सा सा जगह है जिसे आप, कौन सा सा प्लेस है या सिटी है जिसे हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं? तो आपका है बैंगलोर, या आप कह सकते हैं बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, MMID नंबर कितने डिजिट की होती है? तो आपकी MMID नंबर 7 डिजिट की होती है, बैंक के द्वारा अलाट किया जाता है, इसके द्वारा आप कुछ भी मनी ट्रांसफ़र वगैरह और बाकी चीज़ें आप अपने खाते पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह है KYC का अभिप्राय है, तो KYC का मतलब क्या होता है? KYC का मतलब होता है अपने ग्राहक को जाने, यानी कि नो योर कस्टमर। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग यानी कि IoT, इसका आविष्कार कब हुआ? तो इंटरनेट ऑफ थिंग जो है, इसका आविष्कार 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, B2B का क्या अभिप्राय है, यानी कि B2B का मतलब क्या होता है? तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कहीं पर आपको B2C मिलेगा यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, कहीं कहीं B2G मिलेगा यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपका B2B है यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, *99# डायल करके आप क्या कर सकते हैं? तो ये आपका USSD नंबर होता है, जिसके द्वारा आप मनी स्टेटमेंट भी ले सकते हो अपने अकाउंट का, आप बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, USB किसका संक्षिप्त रूप है? USB का जो पूरा नाम होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो QR कोड जो होता है, इसका पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसे टोयोटा कंपनी ने बनाया था, डेंसो बेब जो है उनके द्वारा ये बनाया गया था। तो कहीं कहीं पूछता है QR कोड किस कंपनी द्वारा बनाया गया, तो QR कोड टोयोटा कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका QR कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS-DOS इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि MS-DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो MS-DOS था वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UC ब्राउजर इज डेवलप इन विच कंट्री? UC ब्राउजर कौन सी कंट्री में बनाया गया? तो अगर आपको कहीं कहीं ऑप्शन चाइना मिलता है तो आप चाइना कर सकते हैं, नहीं तो ये अगर सिंगापुर चाइना कभी कोई पूछता है तो सिंगापुर और चाइना दोनों कंट्रीज ने मिल करके UC ब्राउजर को बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज डग डग गो, यानी कि डग डग गो ये क्या चीज़ है? तो ये जो है ये आपका सर्च इंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि डग डग गो जो है एक सर्च इंजन है। पैकमैन इन्वेंटेड इन, पैकमैन कब बनाया गया? तो पैकमैन बना था 1980 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, स्लाइड की डिफ़ॉल्ट साइज कितनी होती है? जो स्लाइड होता है आपका, इसका डिफ़ॉल्ट साइज जो होता है 1 KB या 256 MB या 1 GB। तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें से कोई डिफ़ॉल्ट साइज यहाँ पे सही नहीं है। तो यानी कि नन ऑफ डीज, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। ऑप्शंस हैं ट्विटर, फेसबुक, अमेजॉन,
इनमें किसके साथ आप लाइव वीडियो शेयर कर सकते हो, तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग है, यहाँ पे आप ट्वीट में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। अमेजोन आपका ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। यहाँ जो आपका फेसबुक है, आप इसके साथ ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जो है कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो जो कोई फाइल को जिसमें परमानेंट डिलीट कर अगर डिलीट करना है तो आपको सिंपली डिलीट बटन को प्रेस करना है, वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ डिलीट करना है, तो वो डाटा आपका रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं होता, वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है, तो वो है आपका सारथी। क्योंकि सारथी जो होता है एक एप्लीकेशन है, रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है, इससे आप रेलवे की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है 41 जो क्वेश्चन है आपका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आपका लैंग्वेज प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा वो है आपका लिस्प। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे होंगे लिस्प, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग करता है? तो यहाँ पर ऐसे कौन सा जो ऑप्शन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को का प्रयोग करता है? तो आप फेसबुक, ट्विटर, गूगल असिस्टेंट, तो आपको पता होगा गूगल असिस्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है, क्योंकि आप देखते होंगे कई सारी चीज़ें वो खुद ही बखुद कर करके आप जैसे कुछ कहते हो हिसाब से करता है और आपको उसके बारे में जानकारी देता है। तो आपका गूगल असिस्टेंट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फेसबुक इस्तेमाल करने की मिनिमम उम्र कितनी होती है? तो फेसबुक यूज करने की मिनिमम उम्र जो होती है वो होती है 13। तो ये आपका कई बार ये क्वेश्चन आपका कई बार यूज किया गया है एग्जाम में, कई बार रिपीट किया गया है। तो जैसे आपका फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इस समय आ रहे हैं एग्जाम में, तो हम आपसे मेरी गुजारिश है कि इन सब क्वेश्चंस को ज़रूर नोट आउट करिए। मैं सभी वीडियोज़ में रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियोज़ को ज़रूर नोट आउट करें। जो आपका वीडियो देखते हैं तो क्या होता है आफ्टर 15 डेज 1 मंथ आप भूल जाते हैं, तो अगर आपके पास क्वेश्चन नोट आउट होगा तो आपको रिपीट करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसे ज़रूर नोट आउट करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप नोट आउट्स कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्या फेसबुक पेज पर एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं? तो हाँ, फेसबुक पेज पर एक से ज़्यादा एडमिन हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्विटर में किसका, यानी कि ट्विटर यहाँ पे जो है किसका उदाहरण है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया पिछले क्वेश्चंस में कि ट्विटर जो है ये माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करने की लिमिट क्या है? तो इंस्टाग्राम पर आप मिनिमम 3 सेकेंड और मैक्सिमम 60 सेकेंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 to 60 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भीम ऐप से एक दिन में आप कितने रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? तो भीम ऐप से आप एक दिन में मिनिमम मैक्सिमम जो है 40,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीम ऐप का पूरा नाम क्या है? तो भीम ऐप का पूरा नाम आप देख सकते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो यह आपका सही नाम होता, तो पूछ रहा है भीम ऐप का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है, तो सही है, भीम ऐप का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये कभी कई कई बार जो होता है फुल फॉर्म के रूप में भी इस क्वेश्चन को पूछ लेता है, तो आप इसका नाम पूरा जो है भीम ऐप का पूरा नाम जरूर ध्यान रखेंगे। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, BLSI ULSI किस पीढ़ी का उदाहरण है? तो यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो होता है BLSI का यूज जो होता है आपका 4th जनरेशन में हुआ था, और ULSI का यूज जो इस समय हो रहा है ये 4th जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन 5th जनरेशन का मिला नहीं है, सिर्फ BLSI ULSI किस पीढ़ी का उदाहरण है, तो आपको यहाँ पे 4th जनरेशन टिक करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट है, चीन का सर्च इंजन कौन सा है? तो चीन का सर्च इंजन है बायदू। तो चीन का सर्च इंजन कौन सा है? बायदू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस थे।
और उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस देख रहे होंगे और भी वीडियोस को आप देख रहे होंगे और साथ ही उनका नोट आउट भी करते होंगे, तो नोट आउट आप ज़रूर करिए, इससे आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।